सो आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही फेमस और टेस्टी रेसिपी जिसे कहते हैं बैंगन का भरता, और बनाएंगे हम बिल्कुल ढाबे स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने बैंगन ले लिया है, इसके ऊपर हम ऑयल अप्लाई करेंगे ऐसे। इसके साथ हम दो टमाटर भी भूनेंगे और हरी मिर्च। एक हम प्रॉपर इफ़ेक्ट देंगे जैसे ढाबे स्टाइल में बनता है। इसके अंदर हम इंसिशन करेंगे, कट मारेंगे बैंगन के अंदर, प्रॉपर इसको भूनेंगे, रोस्ट करेंगे, उसका स्वाद ही अलग आता है। इसके अंदर मैंने लहसुन की कलियां डालूंगी। अब इस पर भी ऑयल लगाएंगे। अब चलिए इसको हम गैस पे भून लेते हैं। चलिए अब हम बैंगन रोस्ट करने रख देते हैं। बढ़िया तरीके से रोस्ट होंगे ये। इसको मिर्ची को इसके अंदर ऐसे प्लग इन कर देते हैं। ये देखिए हमने बैंगन रोस्ट होना हमारा कितना बढ़िया हो चुका है, ऑलमोस्ट डन है ये। टमाटर भी अच्छे से हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसको प्लेट पे उतार लेते हैं। ये देखिए सारे जूसेस। अब हमें जो अगर बैंगन का एकदम भुना हुआ इफ़ेक्ट चाहिए तो हमें इसको पानी से नहीं धोना है, स्किन बस उतार लीजिए ऐसे। ये देखिए अलग एक प्लेट में, इसमें लहसुन का इतना बढ़िया इफ़ेक्ट है। और जो इसके बीज हैं उसे अलग कर लीजिए, क्योंकि इस बीज खाने से जो कहते हैं बड़े लोग कि किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं, सो अवॉइड कीजिए इसके जो ये बीज हैं खाने के लिए। चेक कीजिए कि उसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। तो ये बीज अलग कर रही हूँ मैं। अब इसको हम फोक से मैश कर लेंगे। कितना बढ़िया मैश हो गया। टमाटरों को भी मैश कर लेंगे। एक करछी ऑयल लेंगे हम, एक चम्मच जीरा लेंगे हम। उसको अच्छे से ऑयल में इन्फ्यूज़ होने देंगे उसका फ्लेवर। अब इसमें हम ऐड करेंगे दो चॉप्ड प्याज। वी विल कुक जब तक ये कलर चेंज ना कर लें, ट्रांसपेरेंट ना हो जाए अनियंस, तब तक हम इसको कुक करेंगे। चलिए अब आपसे एक टिप शेयर करते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। अगर आपको प्याज जल्दी भूनने हैं तो उसमें ऐड कीजिए थोड़ा सा नमक, जल्दी पकेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक चॉप्ड चिली। ढाबा स्टाइल है तो हरी मिर्च तो आनी ही चाहिए मुंह में, स्वाद तभी आता है। आप पंजाब साइड जाइए, जब आप जाते हैं टूवर्ड्स पंजाब तो इतने ढाबे हैं रास्ते में, और वहाँ का फेमस है यही भरता, पनीर की भुर्जी, अमृतसरी छोले कुलचे। तो उसी स्टाइल का आज हम भरता बना रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे दो चॉप किए हुए टमाटर। मैंने आप एक टमाटर भी ले सकते हैं, मेरे पास दो टमाटर जो थे वो छोटे साइज़ के थे, इसलिए दो टमाटर चॉप करके हमने डाले हैं इसमें। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड करूँगी कि टमाटर जल्दी गल जाएं। इसमें मैं ऐड करूँगी एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच जीरा पाउडर। स्प्लैश ऑफ वाटर ऐड करेंगे। और बहुत थोड़ी सी 1/8 स्पून हल्दी की। अब इसे हम कवर करेंगे 2 मिनट के लिए कि टमाटर अच्छे से गल जाए। चलिए तड़का चेक करते हैं। बढ़िया, कितना बढ़िया कलर आया। अब इसको हम स्वादिष्ट और बनाते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कटा हुआ, एकदम चॉप्ड बारीक कटा हुआ अदरक। लहसुन तो हमने पहले ही भून लिया था, वो लहसुन इसी के अंदर है। लहसुन, टमाटर और बैंगन जो हमने पीसा है वो इसमें हम ऐड कर देंगे। और मैं इसमें ऐड करूँगी इसकी डंडी, बैंगन की जो हमने भूनी थी, इससे और ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा। एक रॉ इफ़ेक्ट, भुना हुआ इफ़ेक्ट और एक ढाबे वाला इफ़ेक्ट। तो ये ज़रूर ऐड कीजिए। भरता है तो उसको अच्छे से मस लिए। भरते को पराठे के साथ खाने में बहुत ही स्वाद लगता है। मुझे मेरी बुआ की याद आ जाती है। उन्होंने उनका फेवरेट लंच या ब्रेकफास्ट होता था भरता, और साथ में देसी घी में बना हुआ पराठा। क्या स्वाद आएगा। और साथ में लीजिए हरी मिर्च। अब इसको हम कवर करेंगे और थोड़ी देर इसको धीमी आंच पे, स्लो फ्लेम पे पकने देंगे, 5 से 7 मिनट तक। चलिए भरता चेक करते हैं। वाह जी वाह,
क्या बढ़िया कलर आया। जब आपका भरता साइड में तेल छोड़ना शुरू हो जाए, इसका मतलब आपका भरता बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम गार्निश करेंगे और इसमें फ्लेवर ऐड करेंगे, मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट कटा हुआ फ्रेश धनिया, और इसे सर्व कीजिए गरम गरम नमक अजवैन के पराठे के साथ। चलिए अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। क्या बढ़िया फ्लेवर और टेक्सचर आया हमारे भरते का। गार्निश कीजिए फ्रेश हरे धनिये के साथ। हमारा यमी और टेस्टी बैंगन का भरता ढाबा स्टाइल बनके बिल्कुल तैयार है। सर्व कीजिए नमक अजवैन के पराठे के साथ। और अगर आपको डिश अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसी लगी आपको हमारी डिश। क्वेरी के लिए DM कीजिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल priyanka_bhatia पे। डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी है। इन्जॉय।